ये कुंभ कुंभ है कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ ये कुंभ ये कुंभ। नमस्कार, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नर्मदा गौ कुंभ की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा गौ कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर प्रवाहित नर्मदा नदी के एक घाट गौरी घाट पर लगातार 9 दिनों तक संतों का समागम होगा। 3 मार्च तक चलने वाले इस गौ कुंभ के पहले दिन साधु संतों की पेशवाई देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी। नर्मदा को स्वच्छ और अविरल बनाने का संदेश देने के लिए आयोजित इस कुंभ में रोजाना देश के नामचीन कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसमें 5,000 से ज़्यादा साधु संतों के समागम का अनुमान है। इतना ही नहीं, इसके कई अखाड़े और नागा साधु बाबा भी शामिल होंगे। गौ कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी को संरक्षित करना है। इसके अलावा राजनीति के पंडितों का मानना है कि प्रदेश में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में गौ कुंभ कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के एक बड़ा उदाहरण साबित होगा। इस भव्य आयोजन के जरिए कांग्रेस हिंदू कार्ड को खेल रही है। यही भाजपा के लिए मुसीबत है, क्योंकि अभी तक भाजपा इसी ट्रम्प कार्ड के जरिए कांग्रेस को पीछे ढकेल देती थी। अब इस कार्ड की तोड़ के लिए भाजपा मंथन कर रही है। राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। जबलपुर निवासी वित्त मंत्री माननीय तरुण भनोट की सक्रियता कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन मंत्री माननीय लखन घंघोरिया भी पीछे नहीं है। वह भी शहर की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी यहाँ गौ कुंभ का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन विज्ञापन और सरकारी सहयोग के अभाव में महज औपचारिकता बनकर रह जाता था। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल अनंत यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।